हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंडियन कंज्यूमर चैनल। काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज थोड़ा सा माहौल था, मौका था, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। और आज जो मैंने ट्रेड किया है लाइफ में अराउंड फर्स्ट टाइम कमोडिटी में, काफ़ी यादगार रहेगा ये ट्रेड, बिकॉज कभी भी मैं कमोडिटी में ट्रेड कर नहीं पाया या करता नहीं था, आइडिया नहीं था। पर स्लोली स्लोली अब जैसे जैसे प्राइस एक्शन समझने लगा हूँ और टाइम इक्विटी मार्केट में कम मिल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कमोडिटी मार्केट ट्राई करें, राइट। तो उसके हिसाब से आज मैंने ट्रेड लिया है और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आप भी कैसे, अगर आप सुबह के आवर्स में बिजी होते हैं तो शाम को कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं और आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये है सिल्वर मिनी का चार्ट। ओके, और ये देखेंगे आप, ये सुबह से गिरता पड़ा है। आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्लाइटली ऊपर गया और ये फिर प्रेशर खा खा के नीचे आ रहा है। ओके, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने एक क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड लिया, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की हुई है। ओके, और ये कैसे मार्क की है अगर आपको मैं दिखाऊँ इसको 1 आवर में, ये देखिए ये इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। ओके, ये वाला ये मेजर सपोर्ट था, तो एक बाउंस तो बनता था इस पे आके फर्स्ट टाइम, राइट। तो वो हिसाब से मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है एंड कहाँ पे ट्रेड लिया है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको कम छोटे टाइम जोन पे ले आता हूँ। ओके, और मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से समझना कैसे ट्रेड लिया है ताकि आपको भी ईजी हो। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम आया बुलिश कैंडल, RSI बिलो 20 और स्टोकेस्टिक भी लो था। फिर इसने क्या किया सिल्वर ने, ये एक ट्रेंड पकड़ने लगा है, इसे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये ऐसे ट्रेंड पकड़ने लगा। ओके, और अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे फिर आया मैं, ये जब इसने यहाँ पे कहीं हाई क्रॉस किया ना ये रिवर्स होके, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड किया और यहाँ पे मैं एग्जिट भी हो गया था अराउंड दिस प्राइस के करीब। ओके, सो ये मेरा ट्रेड था। क्यों लिया, अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देख के चलूँ, वहां पे दिखाऊं, ओके, सो ये है करीब, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लिया था ये हाई पे, नहीं सॉरी यहाँ पे, ये जब ये स्लाइड ब्रेक करके रीटेस्ट करने लगा यहाँ पे, और इसको जूम करता हूँ कि ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल के यहाँ पे ये रीटेस्ट किया और ये फिर निकलने लगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया और इसने इमीडिएटली अच्छा सा टॉप बनाया यहाँ पे। ओके, सो क्लियर एविडेंट था RSI ऊपर जा रहा था। ओके, RSI, तो ये हिसाब से मैंने लिया। अब मैंने क्या किया और कितना ब्रोकरेज है तो मैं आपको दिखा दूं। मैंने 2 लॉट बाय किए थे सिल्वर मिनी के 65576 के प्राइस पे, विच इज ये 65576 आप देख रहे हैं, और मैं एग्जिट हो गया 65692 पे, 65692 करते हैं 65692, यहाँ पे दिखा रहा नहीं है मगर यहाँ पे इसने हाई बनाया था 65692 के करीब के। ओके, 65692 हाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट हो गया, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था कमोडिटी में, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था और कम क्वांटिटी में ही मैंने ट्रेड किया ताकि थोड़ा सा लर्निंग हो सके। और अच्छा है, अभी बता दो इसमें ब्रोकरेज कितना लगता है, तो 0.05 पैसा में मैंने ट्रेड किया, उसमें मुझे लगता है अराउंड 10 रुपये पर लॉट बाय, 10 रुपये पर लॉट सेल। ओके, तो 65576 पे बाय किया, 65692 पे एग्जिट किया, दो लॉट। ओके, महाराष्ट्र, तो 1100 रुपये करीब बने। इसमें ब्रोकरेज 0 दिखाएगा आपको क्योंकि दे डोंट नो यहाँ पे वो आपका प्लान क्या है, वो कैलकुलेट नहीं करते। जैसे कि मैं टाइटेनियम प्लान पे हूँ तो 10 रुपये है पर ऑर्डर मेरा ब्रोकरेज, तो ये 20 रुपये लग जाएंगे, तो अराउंड 1100 के करीब आ जाएगा।
ओके आफ्टर रिमूविंग ऑल टैक्सेस एंड ऑल. सो दिस वाज अ क्विक ट्रेड. साइड बाय साइड मैं प्रैक्टिस भी करते रहता हूँ. ये आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं क्रूड. क्रूड भी आपको क्विकली बता देता हूँ. ओके क्रूड एक चैनल में मूव हो रहा है. ये चैनल बन रहा है, देखिए हाई भी टच कर दिया. मैं सोच ही रहा था क्रूड लेने का और मैं वीडियो बनाने में बिजी हो गया और इसने टच कर दिया. देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पे ये रिवर्स मारा है वहां से. सो इक्विटी के हिसाब से क्रूड बेटर फॉलो कर रहा है प्राइस एक्शन. मुझे तो ऐसा लगता है इक्विटी में बहुत गेम हो जाता है ऑपरेटर का. यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है. ओके यहाँ पे देखेंगे. मैंने प्रैक पेपर ट्रेड में इक्विटी को लिया हुआ है, इसको क्रूड को लिया हुआ है. मैंने बाई किया था करीबन यहाँ पे और अब ये ऊपर जा रहा है. ओके सो अगेन सेम फैक्टर्स. अगर आप इसका ये देखें RSI बुलिश, स्टोकास्टिक बुलिश, MACD ऊपर की तरफ ही है. ओके सो दैट्स द रीजन मैंने बाई ट्रेड लिया था यहाँ पे ये सपोर्ट के करीब पे एंड ये यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है. ओके फ्रेंड्स तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और आप भी अपना कमोडिटी का एक्सपीरियंस कुछ हो तो शेयर कीजिए. काफ़ी हेल्प होगी हमें भी. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे.